लुधियाना के श्री तेग बहादुर साहिब अस्पताल के नर्सां के स्टाफ और ड्राइवर कर्मचारी हड़ताल से चले गए हैं। उन्होंने पत्रकारों के साथ गलबात करते हुए कहा कि सानू 20 तो 25 साल इस अस्पताल में सेवा करदियां हो गए हैं, पर साडियां तनखाहों में कोई वाधा नहीं किया गया और अज हड़ताल करने सानू मजबूर होना पिया। उन्होंने कहा कि साडियां तनखाहों में 12% वाधा किया जाए, जेकर वाधा ना किया गया तो यह हड़ताल अगे भी चल सकती है। दूजे पास अस्पताल की कमेटी के प्रधान डॉक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि उन्होंने तनखाहों में हर साल वाधा होंदा है अते असी उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं कि यह हड़ताल खत्म की जाए। दूजे पासे उन्होंने कहा कि अस्पताल विच आने वाले मरीजों की देखभाल लिए साडे कोल नर्सिंग कॉलेज का ट्रेन स्टाफ है, ताकि जरूरत पैण ते उन्हां नूं बुला लिया जाएगा, ताकि मरीजों नूं किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पवे। ये हुआ मुझे 34 साल हो गए लगे को, आज लो मेरी 15,000 या 12,000 10,000 11,000 भी नहीं तनख्वाह हुई। मतलब मैं इसे इतना काम करती हूँ, सारी स्टाफ ऐसे ही धक्के खा रहा है, यहाँ पे सबको डराते हैं। तो मैं 2% ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ऐसे काम चलता है। धमकी भी देते हैं, धमकी देते हैं, बाहर निकाल देंगे जो कोई ज्यादा बोलेगा। उन्होंने भी सारी इन्होंने छुट्टियाँ कट ली, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CLEL ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨੋਂ ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਲਈ। 5% ਹੈ ਬਈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ 2,000 ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। डॉक्टर्स तो नहीं है धरने पे, कुछ कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं धरने पे, लेकिन उनकी जो बातें आप कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट नहीं लगी, वो तो हर साल लगती है। इश्यू तो ये है कि कितना इंक्रीमेंट लग सकता है, वो तो हॉस्पिटल की रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। 12.5% कह रहे हैं वो, 12.5% तो कभी भी नहीं लगती है ना, 5% हर साल लगती है, वो तो ऑलरेडी सैंक्शन है। हमारे EMO ड्यूटी पे है और हमारा नर्सिंग कॉलेज है जहाँ ट्रेन स्टाफ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला सकते हैं। पेशेंट नहीं सफ़र करेगा, वो नहीं होगा, डायलॉग कर रहे हैं उनके साथ, बातचीत चल रही है। अपना ही स्टाफ है, जो पुराना स्टाफ है हमारे पास, नए स्टाफ तो बहुत कम है, उनके भी ग्रेड्स जो हैं वो बढ़ाए गए हुए हैं 2 सालों से। जो पुराना स्टाफ है अपना ही स्टाफ है, डायलॉग करके बात कर लेंगे उनके साथ। आपको मैं बता चुकी हूँ कि इनकी सैलरी तो 5 तारीख से पहले मिल जाती है, इंक्रीमेंट हर साल लगती है। तो कहने में तो ये जो बात है वो ठीक नहीं है, ना वो सच है। और मैनेजमेंट झोले भर के ले जाती है, मेरे को ये बता दीजिए, रेवेन्यू हॉस्पिटल का देख रहे हैं तो झोले भरने वाली तो सिटी भी नहीं है। दूसरा, सारी मैनेजमेंट जो है ये 2-2, 3-3 जनरेशन से यहाँ ऑलरेडी काम कर रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बेल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो।